बिल भी ऐसे हालत में रहे, क्या बताऊं मैं आपको क्या हो गया हमारे साथ। हे गाइस, वेलकम बैक। मेरा नाम है सुमित राजपुरोहित और आप देख रहे हो SRP व्लॉग्स। तो अभी मैं करेंटली खड़ा हूँ डोंबिवली स्टेशन पे। सुबह सुबह के टाइम में 10 बज रहा है और मैं और मेरे साथ साथी है मेरा बैग और हम लोग जा रहे हैं मेरा पिंड, मेरा गांव राजस्थान। ठीक है, तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस ट्रिप। और ये तो हमेशा का ही बात है, मतलब जाना, मतलब एक्साइटेड तो रहता ही गांव जाना मतलब। और एक और बात, कैसा लग रहा है ये न्यू लुक जो मैंने करा दिया था जोश जोश में, बोलते ना जोश में हो उसको ना, तो वो हो गया मेरे साथ। अब मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है ये कब, क्योंकि मैं टकला या फिर शॉर्ट हेयर में कभी रहा नहीं हूँ, तो मुझे बहुत अजीब लग रहा था। इसलिए मैंने फिर कैब खरीद ली, वो सब कर लिया, क्योंकि कुछ तो करना पड़ेगा ना अभी छुपाने के लिए और अच्छा दिखने के लिए, तो वो सब चीज़ें। ठीक है, फिर चलते अभी डोंबिवली से निकलते, चलते दादर या फिर बोरीवली। देखो जर्नी और इन्जॉय करो व्लॉग। तो गाइस फाइनली आ चुके दादर, तो यहाँ से मेरी ट्रेन है एक्चुअली बोर्डिंग बोरीवली से, लेकिन मैं बोला बोरीवली कौन जाएगा, अभी यहाँ से ही बैठ जाते, तो यहाँ से ही बैठ रहा हूँ मैं। और वहाँ से 1 बजे की थी, यहाँ से 12 बजे की थी, तो मतलब 1 घंटे में बस थे, मैं बहुत जल्दी पहुँच गया था, तो यहाँ से पकड़ लेता। अभी नाश्ता कर लो, पहले बहुत भूख लगा है मेरे को, तो नाश्ता कर लेते, उसके बाद देखते करना क्या है हम लोग को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपना बेस्ट नाश्ता कर रहा हूँ, मेंदू वड़ा, जो मुझे काफ़ी पसंद है मॉर्निंग में। तो यहाँ पे मैं अपना बैग गैसेट गैसेट से लेके जा रहा हूँ कोच की तरफ, जो कि बहुत लंबा लग रहा है मेरे को। मैं ढूंढते हुए जा रहा हूँ S1 S2 S3, जबकि मेरा डब्बा S7 में था, मिलता है S7 में। चल चुकी है अपनी ट्रेन, पहुँच चुकी है बोरीवली, आने वाला है अभी। एक्चुअली लेट स्टार्ट किया क्योंकि सब लोग बैठे हुए थे, तो बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा था वीडियो स्टार्ट करने के लिए। तो अभी मेरा एक फ्रेंड है जो मेरे साथ में चलेगा राजस्थान, वो बोरीवली से आ रहा है एक्चुअली। मैं आ चुका ये बिग बिग के, कितना भाग के आया ये भी चले गया, पता नहीं देखो पता कौन है अंदर, खेतु काकू और गोपाल भाई साहब अभी जस्ट चले। अपने एक काम करके अपन S4 में ले लेंगे, चलो इनसे बात होता बाद में। तो गाइस ये हमारा पहला स्टॉप है, एक्चुअली पहला स्टॉप नहीं, ये गाड़ी सिग्नल पे रुकी है, तो हम लोग यहाँ पे रुके। और कैसे अभी हर बार मैं ऐसे पीछे बैठता था, बट अभी मेरे साथ ये है तो कोई फिक्र नहीं है मेरे को। और हम लोग फिर रुकते हैं, टाइम पास करेंगे, उतरेंगे, जाएंगे, मज़ा आएगा। आज मज़ा आएगा कि नहीं आएगा? बहुत मज़ा आएगा ना, मेरे को भी बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि मेरे को एक साथी मिल गया जाने के लिए। मैं अभी ये लिया नाश्ते के लिए, भूख बहुत लग गया था, ये कुछ खा के नहीं आया था। मैं तो भी मेंदोड़ा खाया था, तो मेरे में थोड़ी जान थी, लेकिन फिर भी ये 10 बार सेव खमंड करके जा रहा था अंकल, तो ले लिया नाश्ता हम लोगों ने। ठीक है, खा के मिलते। तो गाइस वी आर ऑन फाइनली अहमदाबाद स्टेशन, अभी रुकी है सब भीड़। चल तो हम लोग अभी बाहर जाना है, हम लोग अभी सब्जी के तलाश में। एक्चुअली में मम्मी ने ज़्यादा बहुत सारी रोटी और अचार दिया था, एक्चुअली क्या तेल वगैरह यहाँ पर होता है। हाँ आते आते हैं, तो हम लोग सब्जी ढूंढे जा रहे हैं अभी, कहाँ जा रहे हैं लेकिन बाहर उस साइड है। तो अभी यहाँ पे गाड़ी का इंजन चेंज हो जाएगा, जैसे कि आपको पता है ऑलरेडी, बहुत बार देखा है आपने। तो अभी हम लोग एग्जिट पर जा रहे हैं, कुछ सब्जी मिल जाए, कुछ मिल जाए, चलो ठीक है। तो फाइनली आ चुके सेव टमाटर की सब्जी लेके, हम लोग गए थे एक्चुअली में फटाफट से एकदम बाहर होटल पे, और एकदम फटाफट बुक किया ये सेव टमाटर, बुक किया सेव टमाटर की भाजी। भाग भाग क्या है एक्चुअली में, इसका इंजन चेंज हो चुका है और ये निकलने की कदार पे थी। अब पता नहीं ये मेरे मॉम डैड देखेंगे वीडियो, पता नहीं क्या बोलेंगे, बट मम्मी आपने सब्जी नहीं दिया था ना, सब्जी लाना पड़ा सेव टमाटर की सब्जी। तो जाते हैं अंदर, अभी नहीं खाएंगे, 10-15 मिनट बाद खाएंगे, पसीना पसीना हो गया। बाकी अहमदाबाद तो पहुंच गए अभी सिर्फ 6 घंटे और गांव जाने को। और इस ट्रेन में काफ़ी सारे लोग हैं हमारे गांव के, एटलीस्ट 10 लोग तो फिक्स है, तो जो दिखे अभी यहां पर चलते फिरते बहुत लोग। और ये चल चुकी है,
चलो मिलते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अहमदाबाद के बाद अभी मिल रहे और मिल भी ऐसे हालत में रहे, क्या बताऊँ मैं आपको क्या हो गया हमारे साथ। रितु क्या हो गया हमारे साथ? उतरना था, रात रानी पहुंच गया हम लोग। हम लोग स्टेशन स्किप कर दिए अपना, मतलब उतरने का था फालना जहाँ पे हम रहते हैं, और उतर गए हम लोग। जब हमारी नींद खुली, हमारी क्या मेरी जब मेरी नींद खुली ना, तभी हम लोग फालने पे ही थे। ये तो सोया था, इसको मैंने हाथ मारा कि उठ करके, उठते मतलब स्टेशन चल गया। अगर दो सेकंड भी रुकते ना तो बैग सिर्फ निकालना था और निकलना था, कुछ था नहीं हमारा पसेरा, फिर भी स्किप हो गया। पता नहीं, ये लाइफ में पहली बार हुआ है मेरे साथ। तो नींद लेनी थी इसके लिए यार, क्या छोड़ दिया? मैंने नहीं छोड़ा, तूने छोड़ा, तेरी वजह से हुआ ये सब। अब ये मेरे पे डाल रहा है, बहुत चीजें मेरे पे डाल रहा है, बट काफी मजा आया मेरे को इसके सवाने में। क्योंकि वैसे पहली बार हुआ ये सब चीजें कि मैं फालना स्किप कर गया। मैं कभी स्किप नहीं कर जाता, कभी भी नहीं। देखते, ये तो अच्छी बात है कि हम हमारे ही जोन में है कि हम लोग घर पहुंच सकते हैं। ये बहुत छोटी चीज है, पहली चीज तो इतनी बड़ी चीज नहीं है, फिर भी हम लोग रानी में ही है। अगर हम लोग रानी भी स्किप कर देते ना तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती, क्योंकि हम लोग फिर पहुंच जाते मारवाड़ जंक्शन तो, और फिर वाट लगने वाली फिर हमारी भी वाट लगती, और ये वीडियो देखने के बाद मॉम डैड जो बोलते फिर भी वाट लगती, फिर छोड़ते नहीं अकेले कि भाई तुम लोग तो लापरवाही गिरी कर दो। बट कोई नहीं, फिर भी रानी पहुंचे, फिर भी मैं अभी नानी के पास जा सकता हूँ या फिर अपने गाँव, थोड़ा दूर की बात है, बट फिर भी स्किप हो गया। थोड़ा टेंशन है कि वापस यहाँ से मिलना साधन बहुत बुरी बात है, मतलब नहीं मिलेगा जल्दी, क्योंकि अभी टाइम हुआ सुबह के 4 बज रहे, और सुबह के 4 बजे क्या ही मिलेगा यहाँ पे? सिटी तो है नहीं भाई कि तुम फटाफट पहुँच जाओ, गाँव है। बट कोई नहीं, खैर ये हो गया हमारे साथ, अभी देखते क्या कैसे डील करते हम लोग इस चीज़ से। चलो देखते, अब खेलना पड़ेगा, हंसते अभी कुछ नहीं कर सकते। चलो बोझा उठाओ, कोई टिके ट्रेन भी नहीं है ना रिटर्न। चलो बाय बाय गाइस, देखते रहो और अपडेट देता हूँ आपको मैं। तो दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट ये है कि हम लोग पहुँच चुके हैं वाली, अपने ही शहर में पहुँच चुके। एक्चुअली वहाँ पर हम लोगों ने एक टेम्पो वाले को रुकाया, और वो एक एंगेज भाड़े ले रहा था डायरेक्टली किसी गांव का, तो रास्ते में ही हम लोग का स्टॉप भी पड़ता है। तो हम लोगों ने बोला कि आपको मतलब 100 रुपये दे देंगे, मतलब 200 रुपये दिया हम लोगों ने, 100 रुपये ईच पर्सन, हम 100 रुपये मेरा, 100 इसका, 200 रुपये दिया उसको, और उसने हम लोग को छोड़ दिया वाली। अब वाले से वो एक और भाई है निकुश भाई, वो एक दूसरी ट्रेन में जब इसे पीछे आ रहे, तो वो अभी वहाँ से यहाँ आएंगे वाली, फिर हम तीनों गाँव जाएंगे। तो कैसा रहा आज का सफ़र हितू? बहुत अच्छा रहा भाई। अब मेरे को तो ये यादगार सफ़र रहेगा, याद रहेगा, क्योंकि जब जब मैं आया हूँ तब तक मैं एकदम शांति से आया हूँ, और जब भी मैं इसी साथ में आया हूँ तो तूफानी तो हुई है ज़रा सा। और सुबह सुबह नसीब लेके आए जो इतना भाग दौड़ करना पड़ रहा है गाँव जाने के लिए, घर जाने के लिए अपने, ठीक है। बट फाइनली अपने शहर पहुंच चुके, तो टेंशन नहीं है अभी, अभी इतना कोई टेंशन की बात नहीं है, पहुंच ही गए, मिलते बाद में आपसे, ठीक है। अभी चाय के दुकान ढूंढ रहे, चाय पीने गए सुबह सुबह, फालना होते तो चाय पी लेते, यहाँ चाय भी नहीं पी पाएंगे ना, कुछ नहीं मिलने वाला, गाड़ी भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। चलो ठीक है, देखते हैं। फाइनली रिक्शा मिल गया घर जाने के लिए। हितु इसको भी रख दे। तो ये निकू भाई, हितु सब जा रहे, बैठना किधर है? आगे तीनों आगे, हाँ ठीक है। हितु चल अंदर, मजबूरी में सब जुगाड़ चलता है। चलो फाइनली वी रीच अवर डेस्टिनेशन, मंडप वंडप दिख गया अभी से ही। निकल जाए, पेमेंट मत करो, रुको, ओ इतु के पास है, पहले बैग निकाल देते, ये मेरा बैग तो आ गया। पहुँच गए, 6:30 बज गए, लेकिन उजाला कितना हो गया देखो। चलो बाय। तो ये जा रहे स्ट्रेट, और तू मेरे साथ, तू तो मेरे साथ में ही आज। कॉल करता है तुमको, मिलो 8-9 बजे। तो ये अभी जाएगा इस तरफ सीधा, और मैं जाऊंगा पीछे वाली गली सीधा अपने घर पे। ओ सुकून सुकून। तो फाइनली वी रीच अवर डेस्टिनेशन होम टाउन,
गांव जो कह लो विलेज। चल बाय बाय, सी यू 2 घंटे बाद। ओके चलो ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अभी डेली व्लॉग्स के साथ, ठीक है। सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करके जाना, 1K कंप्लीट करना है फास्ट फास्ट, और वॉच टाइम भी करना है यहाँ से, देखो सब्सक्राइब करके जाना।